नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के वैलेंटाइन स्पेशल में। इस स्पेशल एपिसोड में हम कार्ड्स के माध्यम से जानेंगे कि इस ये वैलेंटाइन जो है कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, किस तरह का वैलेंटाइन आपका होगा, किस तरह की डेट पर आप जाएंगे, किस तरह के प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं और क्या आपका पार्टनर इस साल आपको एक रोमांटिक डेट देगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हम कार्ड्स क्या बताते हैं उसके थ्रू जानने जा रहे हैं। तो मैंने जहां आप देख रहे हैं कि मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, कार्ड्स भी बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, पहला कार्ड ही सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं अपने लवर्स की, तो ये वैलेंटाइन डे आप बड़ा मौज मस्ती वाला रहने वाला है आपके लिए। एक अच्छा प्रपोजल, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने वाला प्रपोजल भी आने की संभावना जो मुझे है वो नज़र आ रही है। जैसा कि आपका नेचर है, आप थोड़े घूमना फिरना आप लोगों को पसंद होगा, मौज मस्ती पसंद करने वाले आपका नेचर होगा और जो आपको प्रपोजल आएगा वो बिल्कुल आपके मन मुताबिक आएगा। आपको सिर्फ उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, अपने मन को अपने दिमाग को खुला रखें और सामने वाले के विचारों को एक्सेप्ट करने के, रिसीव करने की अपने अंदर प्रवृत्ति लाएँ। ऐसा करने से ही आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टर्बन नेचर या अड़ियल रवैया जो है वो आपको थोड़ा परेशानी दे सकता है, इस चीज़ को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अगर बात करें कि ये वैलेंटाइन आपको किस तरह का प्रपोजल आएगा, तो ज़्यादातर जो कार्ड्स मुझे संकेत दे रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के संकेत दे रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है, अगर आपका पार्टनर या आपकी जिससे बातचीत हो रही है आप किसी दूरी पर रह रहे हैं, आप में कम्युनिकेशन के माध्यम से बात हो रही है, तो ये वैलेंटाइन आपका लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की ओर संकेत कर रहा है। ज़रूर आपको प्रपोजल इस वैलेंटाइन पर आने वाला है। इसके साथ साथ जो कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए वो ये है, लेट योर पास्ट गो। अगर पास्ट के रिलेशनशिप आपके बुरे रहे हैं, अगर पास्ट में कोई बेकार या नेगेटिव भरा आपका पास्ट रहा है या रिलेशनशिप रहा है, तो उसको छोड़ने के संकेत भी टैरो कार्ड्स दे रहे हैं। अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियों को आने दें, नए पर्सन्स का आगमन जो है उसको एक्सेप्ट करें, उसको आने दें। इसी वजह से आपकी जो खुशियां हैं वो स्टक हुई हैं और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में तभी आएगी। जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप वैलेंटाइन डे डेट पर जा रहे हैं तो पीले रंग के फूल लेकर जाएं अपने वैलेंटाइन के लिए, या फिर आप चॉकलेट्स ले जा सकते हैं जिसमें कि रोज़ या गुलकंद का फ्लेवर हो। ये दोनों चीज़ें आप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी रहेगा। और किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से प्रपोजल हमेशा यस में ही होगा। अगर आप किसी प्रकार के दुविधा में हैं कि आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करें या ना करें, तो एक ज़रूर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखें वो इनोसेंस रखें, क्योंकि जो कार्ड्स है वो इसी तरह का मैसेज दे रहे हैं। अगर आपका पार्टनर जो है वो इनोसेंस प्रवृत्ति का है, आपको लगता है कि ऐसे आपके सामने वाले पर्सन में छल या कपट नहीं है और इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लियर है, मिरर शीशे की तरह साफ है, तो ज़रूर आपको ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये वैलेंटाइन आपके लिए ऐसा ही शुभ फल लाए और ऐसा ही आगे चलकर रोमांच आपकी ज़िंदगी में भरा रहे। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।